हम है हाजिर खबरों के विस्तार की तरफ लिए चलते हैं और उसकी तरह, लेकिन इससे पहले दिखा देते हैं आपको आज की सुर्खियां। आईटीटीसी के रेलवे ऑफिस यूनियन पर शिव शासन के कड़े तेवर, यूनियन के बताया गया कानूनी। एसडीओ के अध्यक्षता में हुई बैठक, फोरकास्ट पे हुई चर्चा। और दिलदार नगर में घर से बरामद हुई लाश, 3 दिन पहले की आत्महत्या। अभी दिखा रहे थे आपको आज की सुर्खियां। सुर्खियों के बाद खबरों के विस्तार की तरफ लिए चलते हैं। आगे सबसे पहले बात करते हैं आसनसोल शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा जो है वो पुलकार के रूप में चलते हैं, उसकी बात करते हैं। आसनसोल के एसडीएम ने यह फरमान जारी किया है कि आसनसोल शहर और आसपास के इलाके में स्कूली पुलकार यानी स्कूली वैन के तौर पर ऑटो रिक्शा को नहीं चलने दिया जाएगा, इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। एसडीएम की अध्यक्षता में शहर के कथा हॉल में एक जरूरी बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के प्रबंधन से जुड़े लोग भी उपस्थित थे। बैठक में गैर कानूनी पूल कार्स की रोकथाम पर चर्चा की गई। एसडीएम ने बताया कि एकमात्र सही जानकारी ही अवैध पूल कार्स से निजात दिला सकती है। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूल कार गुलो के रेगुलेशन प्रोसेस जेटा नियेछेन सेई ब्यापारे आमरा आजके समस्त स्कूलें प्रिंसिपल देखेम एसआईएफ स्कूलसराव छेएसएफ कलकता ट्रेनिंग आज तो तक रिक्वेस्ट कर लवमेंटर इनिशिएटिवटा ता जान पेरेंट्स के अवेयर करें जोधरण इरेगुलर व्हीकल जान पुलकार हिसाब यूज ना करा तक एक रिजनेबल टाइम देव जाते व्हीकलगुलो कमार्शियल नंबर कन्ट्रैक्टर जो परमिट इन्स्योरेंस व्हाट एवर जा जा लागे आ कि सबगलो कागजपत्र करिए नीन करिए नहीं তারা ভেহিকেলগুলো চালা। এই যেভাবে গাড়িগুলো চলছে তাতে গভর্নমেন্টের যেমন রেভিনিউ লস হচ্ছে একদিকে, তেমনি বাচ্চাদের সেফটি সিকিউরিটি কম্প্রোমাইজ হচ্ছে। যে কোনো দিনই একটা আনপ্রেডিক্টেড ইনসিডেন্ট ঘটে গেলে তখন ডেফিনেটলি এভরিবডি উইল ব্লেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। इन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि किसी भी हालत में ऑटो को पुल कार के रूप में नहीं चलने दिया जाएगा। खास बात आसनसोल। और दूसरी तरफ खबर आई है कि आसनसोल के ऑटो चालकों ने आज आसनसोल शहर के मेयर जितेंद्र तिवारी का इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां अवैध पुलकार्स पे रोकथाम के मद्देनजर बैठकों के दौर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर में चलने वाले अन्य ऑटो को रूट परमिट मिलने से ऑटो चालक बेहद खुश हैं। मंगलवार को इन्होंने बस स्टैंड से आसनसोल नगर निगम तक एक जुलूस भी निकाला। आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में चालकों की तरफ से मेयर को सम्मानित भी किया गया। ममताबंदी का मलय घटक ये वो जी माननीय मलय घटक हमारे आसनसोल मेयर जितेंद्र तिवारी, आसनसोल शिल्पांचल तृणमूल कांग्रेस सभापति माननीय बीसी दासन दासू एवं हमारे समस्त तृणमूल कांग्रेस कर्मीवृंद আশীর্বাদে আমরা যে এই আন্দোলনটা অনেকদিন চালিয়েছিলাম সার্থক হয়েছি, প্রত্যেক ছেলেরও রোজগার পেয়েছে, এটা সিস্টেম আমরা এসেছি। ঘটনাটা বলছিল সেদিন যে আমাদের আসানসোল গড়ানোর যদি পারমিশন হয় তাদেরকে ঠেলে কুলটি দিকে দিয়ে দিয়েছে বা নামাজপুরে দিয়ে দিয়েছিল, সেটা নিয়ে বিনয় মোড়ে তারা আন্দোলন করছিল। সেইভাবে বিষয়টা কী হচ্ছে সেটা আন্দোলন করার সবার রাইটস আছে। 80% রুট যে আমাদের অটো চালকরা যেখানে চাইছিল সেখানে পেয়েছে। যখন রুট কমপ্লিট হয়ে গেছে, ওভারলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে, যেখানে 50টা রুটের ক্যাপাসিটি অটো পারমিটের সেখানে 100টা 150টা অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে। এবার আমরা বলেছিলাম কি যেখানে আপনার 50টা আছে 50টা কমপ্লিট করে তার 51 নম্বর থেকে পাশে যে রুট আছে সেখানে ট্যাগ করতেন, তাকে সবাই লোক কিন্তু রুটটা পায়। এবার যেখানে 50টা রুট আছে 150 অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে, 100 লোক তা রিজেক্ট হয়ে যেত, কিন্তু আমরা বললাম কাউকে রিজেক্ট না করে তাদের পাশের রুটে ট্যাগ করে দিই। সেখানে একটু ভুল ত্রুটি হয়েছে পরিবহন আধিকারিকদের জন্য, সেটা আমরা এসডিও সাহেবকে কিছুদিন আগে ডেপুটেশন দিয়েছি, লিস্ট দিয়েছি, সেটা ঠিক করে নেব। যে যেখানকার বাসিন্দা সেখানে অটো পারমিট পাবে। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर, बने रहेंगे हमारे साथ खास बात के साथ। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल बर्नपुर सीमेंट एंड आईएसओ 9001 का। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें।
चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितनी प्यारी। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो खास इंसान भी आपके बारे में भी यही महसूस करे, तो आज ही चले आइए रितु राज ब्यूटी पार्लर। वी आर नॉट जस्ट एनी अदर ब्यूटी पार्लर, वी आर द एक्सपर्ट इन मेकअप हेयर एंड स्किन। এখানে আপনি পাবেন নানান ধরনের মেকআপ, যেমন ব্রাইডাল, প্রি ব্রাইডাল, পার্টি মেকআপ, রেইন ডান্স মেকআপ, ফুল অ্যান্ড গ্লসি মেকআপ। এক্সপার্ট হেয়ার স্টাইলিশ ডু অল দ্য কাইন্ডস অফ হেয়ার ট্রিটমেন্ট লাইক হেয়ার স্টাইলিং, হেয়ার রিবন্ডিং, হেয়ার স্পা অ্যান্ড কালার অ্যান্ড হেয়ার কট অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট। হম আপনি ত্বচা কা ভি খাস খেয়াল রাখতে হ্যাঁ, মশিন ইয়া মশিন কে বিনা ফেশিয়াল, বডি পলিশিং অ্যান্ড নেল আর্ট, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर जैसे तरीकों से आपके खूबसूरती में चार चांद लगाए जाते हैं। सो इफ यू वांट टू गेट दैट रैविशिंग एंड मेस्मराइजिंग लुक, रितु राज ब्यूटी पार्लर इज द प्लेस टू कम। रितु राज ब्यूटी पार्लर, एक नंबर महिशिला कॉलोनी, चक्रवर्ती मोड़, आसानसोल 3। कॉन्टैक्ट 9002871256 अथवा 7602942356। रितु राज ब्यूटी पार्लर, वेर यू गेट अ हेवनली लुक। अनारकली फैशन ज्वेलरी, यहाँ आपको शानदार लेडीज आइटम्स मनमाफिक कीमतों पर उपलब्ध होंगी। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेंगे अमेरिकन डायमंड प्रोडक्ट्स, चूड़ी, बाला, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, फाउंडेशन, फेस पाउडर, यानी वो सारा साजो सामान जो आपकी खूबसूरती को और भी निखारे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक पर्स जो किसी भी महिला की पर्सनैलिटी को सूट करे। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेगा हर ओकेजन में पहने जाने वाले लेटेस्ट डिजाइन के इमिटेशन गहने, जैसे इयररिंग्स, टॉप्स और अन्य कई प्रकार की जंक ज्वेलरी। साथ ही आप पा सकती हैं विभिन्न तरीके फैंसी रबर बैंड, हेयर बैंड आदि। अनारकली फैशन ज्वेलरी में बच्चों का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ आपको ऐसे आकर्षक किड्स आइटम्स की रेंज मिलेगी जिनसे आप नजरें नहीं हटा सकती। तो फिर देर किस बात की, अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपका स्वागत है। अनारकली फैशन ज्वेलरी, गैलेक्सी मॉल, सेकेंड फ्लोर। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता, दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप, इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी, सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत। आपको बता दें कि महिलाओं पर अत्याचार और उनके 21वीं सदी में भी महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहा है। खासकर कामकाजी महिलाओं की बात करें तो उन पर भी कई तरह के दबाव बनाए जाते हैं, कई तरह के अत्याचार होते हैं। आसनसोल से एक ऐसी खबर आई है, आसनसोल रेलवे स्टेशन में कर्मचारी के तौर पर काम करने वाली एक महिला के साथ एक यात्री ने बदसलूकी की। आइए जानते हैं पूरा मामला। कार्य क्षेत्र में महिलाओं से बदसलूकी जैसे अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को आसनसोल स्टेशन में एक यात्री टी एन पांडे ने टिकट काउंटर पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ छेड़खानी की। पैसा फेंका काउंटर से, फिर क्या हुआ, कौन सा आरपीएफ? फौरन घटना की खबर आरपीएफ को दी गई। आरपीएफ ने पटना निवासी उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। घटना साउथ साइड बुकिंग काउंटर पर 50 नंबर 5 से शिकायत आया था टेलीफोनिक में से, रेलवे स्टेशन से। तो एक पर्सन जो है कि जो लेडीज ऑन ड्यूटी में काउंटर पर थी,
उसके साथ जो है कि बदतमीजी किया, खिड़की में हाथ लगा दिया, सारे पैसेंजर जो लाइन में पैसेंजर टिकट के लिए खड़े थे उनको हटाते हुए खिड़की में गया, खिड़की में हाथ घुसाया, सिस्टम को डिस्टर्ब किया है ना, हाथ से सिस्टम को जो है कि तोड़ने का प्रयास किया, खींचने का प्रयास किया उस, और बचाव के क्रम में मैडम हाथ से रोक रही थी, मैडम का हाथ पकड़ लिया, जिन्हें लगे इस पर वो शिकायत दी, उसको स्टाफ और ऑफिसर है यहाँ से उसको लाया, उसको पोस्ट पर लाया गया, देखा गया उसके साथ जो सामान था, सामान जो था सामान को चेक किया गया, सर्वाई किया गया आर पी एफ के अकॉर्डिंग, जो सारी ला फार्मेसी के अकॉर्डिंग करवाई की गई, उसमें उसके साथ 10 रॉयल स्पेशलिटी लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया, वो आकर ठीक करते। तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के पास से शराब की 15 बोतलें भी बरामद हुई। खास बात आसनसोल, और उसके बाद बात करेंगे, एक बहुत ही अहम खबर है आपको बता दें कि आसनसोल के टीएमसी नेता बी शिवदासन दासू ने ये आरोप लगाया है कि आसनसोल रेलवे स्टेशन में बनने वाले नई श्रमिक संगठन को बिल्कुल उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वैध नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि आसनसोल के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के करीब आईएमटीटीयूसी के बैनर तले एक बैठक हुई थी, और इस बैठक के दौरान ही एक हॉकर्स संगठन का गठन भी किया गया था, लेकिन वी शिवदासन दासू का कहना है कि यह संगठन, यह यूनियन पूरी तरह से गैर कानूनी है। टीएमसी के अंदरूनी संगठनों के बीच आपसी मतभेद एक बार फिर सतह पर आ गया। टीएमसी जिला अध्यक्ष विश्वदासन ने कहा कि हाल ही में गठित रेलवे हॉकर्स यूनियन पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस संगठन के बारे में पार्टी को कोई जानकारी नहीं है। बिना पार्टी की अनुमति के ऐसे घर बैठे यूनियने नहीं बनाई जाती। ऑलरेडी हम लोग का पार्टी का तो सिद्धांत है जो स्टेट लेवल से आईएनडीटीसी का, वो लोग जिला में जिसको दायित्व देगा, जिला में जिसको दायित्व देगा एनडीटीसी का जो जिला प्रेसिडेंट होगा, वही जिला प्रेसिडेंट आपको प्रत्येक यूनियन का प्रेसिडेंट बनेगा। तो आपको इसका पहले आपको एक यूनियन था आपका ईस्टर्न रेलवे हॉकर्स यूनियन जिसके ये लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर था 25975 अपलेटेड बाई आईएनडीटीयूसी। ये ईस्टर्न रेलवे हॉकर्स यूनियन नवरा डिवीजन का नंबर था, ये बंगाल में सब डिवीजन आसनसोल में यही नंबर पर रजिस्ट्रेशन चल रहा। इसके प्रेसिडेंट था आपको प्रभात चैटर्जी, जो उस समय हम लोग बर्डवन जिला आईएनडीटीयूसी के स्टेट जिला प्रेसिडेंट था। तो वही हिसाब से प्रभात चैटर्जी आईएनडीटीयूसी का आपका जो रेलवे का जो हॉकर यूनियन था उसका प्रेसिडेंट प्रभात चटर्जी था। ये तृणमूल गठन होने का बाद 2011 से हम लोग का सिपांजल में और बर्डवन जिला का बीच में प्रभात चटर्जी अभी आईएनडीटीसी यूनियन से जब बाहर उसको हटाया गया तो बाकी जगह में अभी नया कोई यूनियन प्रेसिडेंट हुआ नहीं। इन्होंने सवाल उठाया कि जब आईएनडीटीयूसी की जिला कमेटी को पहले ही तोड़ दिया गया है तो इसके बैनर तले ये यूनियन कैसे बन गया। खास बात आसनसोल, और अब हमारे पास खबर आई है कि आसनसोल के दिलदार नगर इलाके में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसकी लाश आज बरामद की है पुलिस ने, और पुलिस को यह खबर मिली है कि 3 दिनों पहले इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल तफ्तीश की जा रही है, मामला सामने आएगा तफ्तीश के बाद। इंसान को अपनी जिंदगी से प्यारी और कुछ नहीं होती, मगर कभी कभी हालात उसे एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा करते हैं जहां मौत जिंदगी से बेहतर लगती है। ऐसी घटना का गवाह बना आसनसोल के दिलदार नगर के रूप बांध का इलाका। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत इस इलाके के एक घर से अचानक बदबू आने लगी। जब पुलिस ने आकर छानबीन की तब घर से एक लाश बरामद हुई। लाश सुनील शर्मा नामक एक व्यक्ति की थी। बच्चे लोग चॉकलेट खरीदे, उसके बाद जो सोए तो सोले, अभी उठा रहे हो। कल उठने में भी हम लोग उठाए, चना पीता था कि हम लोग सोचे कि पिखा से सोता हुआ है। ऐसा आए दिन करता, जब से उसका बीवी चली गई है झड़ा घड़ा करके, तब से आए दिन ऐसा ही करता। तो हम लोग सोचे कि सोया हुआ है, फिर कल ठोकरे नहीं उठा। आज हम पोछा मारने जा रहे थे, तो महक आ रहा, तब हम बोले कि नहीं देखिए कुछ जरूर हुआ है कि महक रहा। ऐसे आए दिन करता है,
इतना झगड़ा बीवी से किया, बीवी का शर्मा उसको और उससे करता ही रहता है, ना किसी से बातचीत करता है। क्या नाम है उनका? रवि शर्मा। माना जा रहा है कि इस शख्स ने 3 दिन पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। खास बात आसनसोल। और फिलहाल हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। मैं परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विश्व बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विश्व बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पिक पुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विश्व बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो खास इंसान भी आपके बारे में भी यही महसूस करे, तो आज ही चले आइए रितु राज ब्यूटी पार्लर। वी आर नॉट जस्ट एनी अदर ब्यूटी पार्लर, वी आर द एक्सपर्ट इन मेकअप, हेयर एंड स्किन। एखाने आपनी पाबेन नानान धरनेर मेकअप, जेमन ब्राइडल, प्री ब्राइडल, पार्टी मेकअप, रेन डांस मेकअप, फुल एंड ग्लॉसी मेकअप। एक्सपर्ट हेयर स्टाइलिस्ट डू ऑल द काइंड ऑफ हेयर ट्रीटमेंट लाइक हेयर स्टाइलिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा एंड कलर एंड हेयर कट एंड ट्रीटमेंट। हम आपकी त्वचा का भी खास ख्याल रखते हैं, मशीन या मशीन के बिना फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग एंड नेल आर्ट, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर जैसे तरीकों से आपके खूबसूरती में 4 चांद लगाए जाते हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू गेट दैट रैविशिंग एंड मेस्मराइजिंग लुक, रितु राज ब्यूटी पार्लर इज द प्लेस टू कम। रितु राज ब्यूटी पार्लर, 1 नंबर मुहिशिला कॉलोनी, चक्रवर्ती मोड़, आसानसोल 3। कॉन्टैक्ट 9002871256 अथवा 7602942356। रितु राज ब्यूटी पार्लर, वेर यू गेट अ हेवनली लुक। अनारकली फैशन ज्वेलरी, यहाँ आपको शानदार लेडीज आइटम्स मनमाफिक कीमतों पर उपलब्ध होंगी। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेंगे अमेरिकन डायमंड प्रोडक्ट्स, चूड़ी, बाला, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, फाउंडेशन, फेस पाउडर, यानी वो सारा साजो सामान जो आपकी खूबसूरती को और भी निखारे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक पर्स जो किसी भी महिला की पर्सनैलिटी को सूट करे। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेगा हर ओकेजन में पहने जाने वाले लेटेस्ट डिजाइन के इमिटेशन गहने, जैसे इयररिंग्स, टॉप्स और अन्य कई प्रकार की जंक ज्वेलरी। साथ ही आप पा सकती हैं विभिन्न तरीके फैंसी रबर बैंड, हेयर बैंड आदि। अनारकली फैशन ज्वेलरी में बच्चों का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ आपको ऐसे आकर्षक किड्स आइटम्स की रेंज मिलेगी जिनसे आप नजरें नहीं हटा सकती। तो फिर देर किस बात की, अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपका स्वागत है। अनारकली फैशन ज्वेलरी, गैलेक्सी मॉल, 2nd फ्लोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। आपको बता दें कि महाश्वेता देवी को श्रद्धांजलि दी जा रही है विभिन्न संगठनों की तरफ से, विभिन्न संस्थाओं की तरफ से। आसनसोल के बीबी कॉलेज में भी महाश्वेता देवी को याद किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
दिवंगत बांग्ला साहित्यकार माँ श्वेता देवी की याद में आसनसोल के बीबी कॉलेज में एक शोक सभा का आयोजन किया। अन्य शिक्षकों की मौजूदगी में महाश्वेता देवी के जीवन और उनके साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा हुई। আমরা ছাত্রছাত্রীর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষকরাও রয়েছেন, শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন, আমরা একটা বড় অনুষ্ঠান করছি। বিভিন্নভাবে আমরা আমাদের ওনার সাহিত্য আলোচনা এবং ওনার যে লেখা সেসব নিয়ে আলোচনা চলছে। বক্তাও নে উঠে এক মহান সাহিত্যকারকে সাথ সাথ মহান সমাজ সুধারক ভি বতায়া। খাস বাত আসানসোল, আসানসোল কে রেলপাল স্থিত এক বিদ্যালয় মে নয় ভবন কা নির্মাণ করায়া যা রহা হে। खबर पाकर आसनसोल नगर निगम से टीम वहां पहुंची और उन्होंने निरीक्षण किया। आसनसोल उत्तर में स्थित आदर्श विद्यालय के निरीक्षण के लिए मंगलवार को नगर निगम का एक दल यहां पहुंचा। दल में एवाईसी तथा बोर्ड चेयरमैन गुलाम सरवर, अंजना शर्मा सहित नगर निगम के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे। स्कूल का निरीक्षण करने आए आदर्श विद्यालय, तो यहाँ पे जो एक रूम बन के छोड़ा गया है इसमें हाई स्कूल यहाँ खोलने का बहुत जरूरत है। आसपास में कोई भी बड़ा स्कूल यहाँ नहीं है, लड़कियों का खास करके यहाँ बहुत तकलीफ होती है, वो लोग बहुत दूर दूर जाके पढ़ाई करती है, साथ में गार्जियन को भी तकलीफ है कि एक जवान लड़की को बहुत दूर भेजना। इसके चलते शिक्षा के बहुत बच्चे यहाँ पिछड़ा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ एक हाई स्कूल HS तक हो जाए, जिससे यहाँ के लड़का हो या लड़कियाँ हो उनको पढ़ने का पूरा सहयोग मिले। दरअसल इस स्कूल में भवन का निर्माण कराया जाएगा, इससे पहले निगम के उच्च स्तरीय दल ने यहाँ का जायजा लिया। खास बात का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, आपके सुझावों का बहुत शिद्दत से इंतजार रहता है। आइए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको आज की सुर्खियां। आईटीडीसी के रेलवे हॉकर्स यूनियन पर शासन के कड़े तेवर, यूनियन को बताया गया कानूनी। एचओ के अध्यक्षता में हुई बैठक, फुल ग्रास में हुई चर्चा और दिदानगर में घर से बरामद हुई लाश, 3 दिन पहले की आत्महत्या। और सुर्खियों के साथ ही हम लेंगे आपसे इजाजत, इस वादे के साथ कि कल इसी वक्त आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।